नमस्कार, मैं साहुल पांडे और आप बने हुए हैं बिहार के साथ। मानसून सत्र शुरू हुआ है संसद का और इसी बीच बॉलीवुड का जो मामला है वो कहीं ना कहीं अब संसद में गर्माता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही जो है रवि किशन ने जो है, जो कि बीजेपी से सांसद हैं, उन्होंने लोकसभा में खासतौर पे ये मुद्दा उठाया था और कहा था कि एनसीबी बहुत अच्छा काम कर रही है और धीरे धीरे जो है जितने भी ड्रग्स रैकेट है उनको अपने कब्जे में ले रही है, यानी अपने शिकंजे में ले रही है। उन्होंने ये भी बात कही थी कि किस तरीके से ड्रग्स जो है हमारे देश में पाकिस्तान और चीन की वजह से हर साल कितना किलो ड्रग्स जो है हमारे देश में आता है और इसमें फिल्म इंडस्ट्री किस तरीके से इन्वॉल्व है। इस बात को भी लेकर के उन्होंने संसद के लोकसभा में इस बात को रखा था। एक बार ज़रा सुनिए उन्होंने क्या कहा था। मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। आज मैं सदन का ध्यान अपने देश के एक बहुत बड़ी समस्या की तरफ दिलाना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग एडिक्शन की समस्या बढ़ती जा रही है। हानिकारक दवाओं के सेवन के माध्यम से देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस साजिश में हमारे पड़ोसी मुल्कों का हाथ है। प्रतिवर्ष चीन और पाकिस्तान के रास्ते देश में भारी मात्रा में नशे की दवाइयों की तस्करी होती है, मंगाई जाती है पंजाब के रास्ते, नेपाल के रास्ते, और नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दे। अरे सुनो यार, हमारी वो एडिक्शन आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़ा है, पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क, बट महोदय दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे एक स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए, उन्हें उचित सजा दी जाए, तथा पड़ोसी देशों की जो साजिश है युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की, उस पर रोक लगाई जाए। महोदय धन्यवाद। इसको लेकर के जया बच्चन ने जो बयान दिया है, उन्होंने अपने बयान में रवि किशन पर हमला बोला है और ख़ासतौर पे कहा है कि जो लोग, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। उन्होंने रवि किशन का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में उन्होंने ये बात कह दी कि रवि किशन ऐसा ही काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने संसद में ये भी सरकार से मांग की कि जिस तरीके से आज फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को, जिन्होंने बड़े ही मेहनत से अपना एक मुकाम हासिल किया है, एक नाम बनाया है, उन्हें लोग गटर के नाम से बुला रहे हैं या फिर अलग अलग तरीक़ों का जो है निकनेम दे रहे हैं। ऐसे में सरकार को जो है लोगों को ये बताना चाहिए कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग कितने मेहनत से अपने मुकाम पर पहुँचे हैं और उनके लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करना सही नहीं है। आप जरा सुनिए जया बच्चन ने क्या कहा है। ने जो कहा, मगर यही नाम जिसको डिफेम करने में आज लोग लगे हुए हैं उसके बारे में चर्चा करना चाहती हूँ। सर, मेरा कहना ये है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन आवर कंट्री विच प्रोवाइड्स डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट एवरी डे टू 5 लाख पीपल एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू 5 मिलियन पीपल एट अ टाइम व्हेन द फाइनेंशियल सिचुएशन इज इन अ डिप्रेसिंग स्टेट एंड एम्प्लॉयमेंट is at the worst level, in order to divert the attention of the people, we are being used to be flogged by the social media and the government's non-support. I think the government must stand by the entertainment industry, because the entertainment industry always comes forward to help the government in whatever good work that the government takes up. They come and speak for them, they support them. If there is a national calamity, they come forward, they give money, they give their services. I think that it is very, very important that the government must support this industry and not kill it just because there are few people. You cannot tarnish the image of the entire industry. Right. This industry brings international name and recognition also, apart from the political people. I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke
who is from the industry against, I'm not taking a name, against the film industry. यानी कुल मिलाकर कहें तो बॉलीवुड का मामला अब जो है वो संसद में भी उठ रहा है, लेकिन ये मामला ड्रग्स से जुड़ा हुआ है। अब ऐसे में जया बच्चन जो बात कह रही हैं वो कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री के उस हिस्से का बयान आप कह सकते हैं जो इससे परेशान है कि आखिर जो है ड्रग मामला कैसे बॉलीवुड में आया है और उस पे लेकर के चुप्पी साधे रहते हैं। आप देखते होंगे कि खासतौर पर बॉलीवुड के जितने भी बड़े स्टार्स हैं वो कभी कभी भी ऐसे मुद्दों पर खुलकर सामने नहीं आते, ना वो बोलते हैं ना वो कैमरे पे आकर के किसी के बारे में कुछ कहते हैं। अगर कुछ मामला हो भी जाए तो भी वो चुप्पी साध लेते हैं। कहने के लिए जब भी वो कहते हैं तो कहते हैं कि बॉलीवुड एक परिवार की तरह है, लेकिन जब कोई मामला होता है तो वो चुप हो जाते हैं और ना तो किसी के समर्थन में खड़े होते हैं और ना ही किसी सही पक्ष को लेकर के कोई बात कहते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, किसी ने भी उठकर या फिर दो शब्द किसी भी बड़े स्टार ने नहीं कहा सुशांत सिंह राजपूत के मामले में। और अब जब इस मामले में ड्रग का एंगल आया है तो सब कहीं ना कहीं इज्जत बचाने के यानी बॉलीवुड की लाज बचाने के लिए जो है इसे पेश कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि जया बच्चन जो है वो एक तरीके से स्पोक्स पर्सन की तरह जो है संसद में बोल रही थी। अगर रवि किशन का उठाया हुआ मामला गलत है यानी ड्रग का मामला अगर गलत है तो फिर सही क्या है? जया बच्चन को ये बात बतानी चाहिए कि ड्रग का मामला गलत कैसे हो सकता है और उस पर बयान देना या फिर सरकार से उस पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग करना ये मामला गलत कैसे हो सकता है। और अगर कोई अपने बॉलीवुड के अंदर की इस गंदगी को साफ करने के लिए सरकार से मांग कर रहा है तो फिर वो उसी थाली में छेद करने जैसी बात कैसे हो सकती है? फिलहाल जया बच्चन को लेकर के ट्विटर पर भी ट्रेंड चल रहा है और लोग तरह तरह के मीम्स जो है पोस्ट कर रहे हैं जिसमें लोग कह रहे हैं कि ये भले ही शब्द उनके हैं लेकिन पीछे कोई और है। फिलहाल ये तो लोगों का कहना है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें बिहार के साथ और हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।